सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय गणित आर के एस एम बी के अंतर्गत शिक्षा के बढ़ते कदम राजस्थान में। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत इसमें हम आज हल करेंगे कि अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय गणित। कुल प्रश्न है इसमें 15, समय है 1 घंटा। इसमें हम हल चालू करें, इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। इसमें आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ लिखने हैं अपने रोल नंबर, और एक OCR पत्रक दिया जाएगा। उसमें आपको एक OCR आंसर शीट दी जाएगी आपको, उसमें आपको टिक मार्क लगाना है कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला प्रश्न है इसमें अंक 60795 से बनने वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो इसमें पहले के अंदर आएगी, यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 97,650, ए राइट है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसमें देखिए विकल्प से सही है, 19,009 बड़ा है 10,909 से, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 3 है किस अंक का स्थान्यमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम वाला अंक होगा इकाई के स्थान पर, इसका स्थान्यमान सबसे कम होगा, ए है इसमें राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पूर्णांक -39 का परवर्ती होगा इसमें माइनस में उल्टा चलता है, तो यहाँ हो जाएगा -38। प्रश्न नंबर 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है यहाँ 2, बे राइट है। प्रश्न नंबर 6, सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है? तो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है वो है 1, बे राइट। प्रश्न नंबर 7, 210×5 का मान किसके समान होगा? ए ऑप्शन है इसमें 200+10×5, 200+5×10, 200-10×5 और 200+10×15। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, 200+10, 210×5, 210×5 के समान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक होटल में एक दिन में 350 थाली भोजन खाया जाता है, यदि एक थाली भोजन का औसत मूल्य 120 रुपये हो तो होटल की एक दिन की आय कितनी होगी? तो इसमें 350 में हमें गुणा करना है 120 से, तो इनसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 42,000, ए राइट है, एक दिन की आय 42,000 रुपये है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए बेहतर को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? तो वो संख्या होगी 9, बेहतर में हम 9 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ 8 बार जाएगा, दे राइट करें 9। प्रश्न नंबर 10, 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे? 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे 1 और 2।
प्रश्न नंबर 11, सात की घात 4 भाजक सात की घात 2 का मान होगा। तो देखिए सात की घात 4 में हम सात की घात 2 माइनस निकाल लेंगे तो सात की घात 2 ही बची, 7 × 7, 7 × 7 49, तो इसमें 2 राइट होगा, 49। प्रश्न नंबर 11, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये हो तो चाय का मूल्य होगा, तो इसमें 6 गुने से 15 रुपये अधिक है, तो 6x प्लस 15 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 6 गुने से 15 अधिक हैं तो प्लस 15 आ जाएंगे, इसमें 2 राइट है। अगला प्रश्न है, भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलें। 1/4 का प्रतिशत होगा यहाँ 20%, 25, 15 और 10, तो इसका प्रतिशत हमेशा आएगा 25%। इसका ऑप्शन होगा बे राइट। अगला है 14वां, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई होगी, तो इसमें हमें कुल क्षेत्रफल 100 है, इसमें भाग देना है इसकी लंबाई का, तो ये 20 में भाग जाएगा यहाँ 5 बार, ये इसकी चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। कुल क्षेत्रफल 100 में 20 का भाग दिया 5 बार, तो खेत की चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर, और 5 मीटर हैं 6 वाले ऑप्शन में 6। प्रश्न नंबर 15 है, एक पार्क 125 मीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा, 125 मीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा, तन में इसके चारों ओर 10 बार चक्कर लगाता है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा? तो पार्क चौकोर है, इधर 125 तो इधर भी 125 होगा, और इधर 115 तो इधर भी 115 होगा, तो चारों को जोड़ लेंगे हम, 125 125 250, 115 115 230, तो कुल हो जाएगा इसका 480 मीटर क्षेत्रफल, और 10 चक्कर लगाए तो इसको गुणा 10 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4800 मीटर, इसकी कुल दूरी तय हो जाएगी 10 चक्कर में। ये था कक्षा 8 का गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।